नमस्कार किसान वीरो, तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है जी अपने यूट्यूब चैनल फार्मिंग प्रो ते। किसान वीरो, आज मैं जिस टॉपिक दे बारे गल करांगा वो टॉपिक हैगा जी, जेड़ा आपां पहला पानी कणक लाउणे आ उस वेले आपां नूं किहड़ियां किहड़ियां गल्लां दा ध्यान रखना चाहीदा, ते आपां जिहड़ी कणक उह पीली पै जांदी है उसका की कारण है, ते जे पीली पै भी जावे तो आप उसनू वापस जिहड़ा है हरा किवें कर सकीए। तो कुछ टॉपिक ने जिन्हां बारे अज आपां गल करांगे। तो किसान वीरो, उस तो पहला जेकर तुसी अपना चैनल ये सबसक्राइब नहीं किया, पहली बार आए हो तो नीचे लाल रंग के बटन दबो, उस तो बाद घंटी आऊगी उन्हें दबो, तो ताकि तुहानू आने वाली वीडियो का जिहड़ा नोटिफिकेशन है वह मिलता रहे। चलो किसान वीरों, शुरू करते हैं फिर आज की वीडियो अपनी। पहला तो मैं तुहानू ये दस देवा कि जिहड़ा अपना पानी हैगा, पहला पानी कदों लाउणा हैगा उस बारे। पहला पानी किसान वीरों, कुछ जिहड़ियां अपने यूट्यूब से वीडियोज़ ने जां कोई जिहड़े मतलब ज़्यादातर लोग यही कहिंदे ने कि आपां नूं 21 दिन तो लैके 30 दिन दे विच ला देना चाहिए, पर किसान वीरों अपनी यह एक सोचने वाली गल है कि 21 तो 30 दिन दे विच पानी जेकर आपां नूं लाउणा हैगा तो जमीना तो हर थां ते वक्खो वक्खरियां ने ना, कोई जमीन अपने अंदर जिहड़ी है गिल समा के रखदी है, कोई छेती सुक जांदी है, कोई की पता 15 दिनां 'च पानी मंग ले, कोई की पता 40 दिन तक ही पानी ना मंगे, है आपां नूं 21 30 दिन 'च पानी ला के कम खराब कर लैंदे आ। सो अगर तुसी पानी बेसिकली कणक नूं उदों लाउणा चाहिए जदों ओह पानी मंगे, समझ गए। तो इहदा सीधा साधा जिहड़ा मतलब उदाहरण है वह यही है कि जिहड़ा 25 दिन तक जां कह लो कि 20 दिन तक कणक सिर्फ अपने तीन पत्ते कढ़दे 20 दिनां तक, तो 20 दिनों तो बाद वो अपने जिहड़ियां जिवें कि झोने दे विच टेलरिंग स्टेज हुंदी है, तो उवें ही कणक दे विच 20 दिनों तो बाद टेलरिंग स्टेज स्टार्ट हो जाती है, तो जिहड़ा कणक दा बूटा है वह बूटा मारना स्टार्ट करदा है। उस टाइम उसनू पानी दी लोड़ हुंदी है, जिथे उहदियां जड़ां हुंदियां ने जमीन च 2-3 इंच तो नीचे, उत्थे उहनू थोड़ी गिल चाहीदी है ते खुराक भी चाहीदी है तां कि वह शाखां वध तों वध कढ सके ते अपनी जिहड़ी ग्रोथ आ नॉर्मल हो सके। ते इसलिए अगर वो जी अपना कणक का जिहड़ा बूटा हैगा अगर 15, 10, 17, 18 जदों भी आपां नूं थोड़ी जी मिट्टी पुट के वेखनी चाहीदी है, अगर साडी जमीन ये पानी मंगदी है तो सानूं उस टाइम पानी ला देना चाहिए। मैं हुण 2-3 दिनों के अपना जिहड़ा कणक नूं पानी लावांगा उसकी वीडियो बना के तुहानूं शेयर भी करांगा। तो मेरी जिहड़ी कणक सी 29-60 HT, तो आपां 4 नवंबर नूं विचिया सी, अज 25 नवंबर 21 दिन हो चुके ने, तो मैं वेख्या सी जाके उन्हूं कि वह पानी हजे 2-3 दिन होर नहीं मंग रही, उस तो बाद आपां वेस्ट डिकम्पोजर का जिहड़ा सोल्यूशन है उहदे नाल पानी लावांगे। वेस्ट डिकम्पोजर नहीं, माइक्रो न्यूट्रिएंट है, मैं सरों की खल बहुत पाई है, उस 10 किलो सरों की खल पाई है, विच उहदे कली पाई है जिहड़ी आपां घरां नूं करते हाँ, तो 5 किलो दही पाया, ठीक है। तो मैं ऐतकी यह सोच रहा कि उसनू कोई यूरिया DAP कुछ नहीं पाया, आपां चिट्टे नाल बिजाई कीती है, तो देखते हैं की रिजल्ट बनता, वो वीडियो बना के तुहानू शेयर करांगे जो अपना कणक का झाड़ आऊगा। तो यह तो सी किसान वीरो कि पानी लाने की गल, तो पानी लाने तो बाद अपनी कणक पीली क्यों पै जाती है, इसका की कारण है। एक तो जे अपनी कणक पानी नहीं मंगती, आप पानी ला दीए तो कणक पीली पै सकती है। दूजा कि कणक नूं ज़्यादा पानी लग जाए कणक तो पीली पै सकती है। एक होर कारण है किसान वीरों, वो मतलब अजे तक किसी नूं नहीं पता कणक पीली क्यों पै जाती है, ज़्यादा जे आप कणक नूं खाद पा दीए जां कणक अपनी ज़्यादा डूंगी बीजी जाए उस करके भी कणक पीली पै सकती है। कणक का बीज एक निश्चित डूंगाई ते होना चाहिए, 2 इंच की डूंगाई ते होना चाहिए ताकि वह अपना जिहड़ा हैगा बूटा मारन वेले उहनूं कोई दिक्कत ना आवे। ते पानी तुसी लाउणा हलका लाउणा है भी जमीन अपनी
ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਸੋਖ ਲਵੇ। ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਣਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨੀ ਹੈ ਗੁੱਲੀ ਡੰਡੇ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਗੁੱਲੀ ਡੰਡੇ ਦੀ ਸਪਰੇਅ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਗੁੱਲੀ ਡੰਡਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕਣਕ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਵੀ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਕੁਸ਼ਚਨ ਹੈ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।